यहाँ पर जो वेंटिलेशन दिया गया है इसका उजाला आपको हॉल पर और बेडरूम पर देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका यहाँ पर जो फ्रंट का यहाँ पर जो साइज है वह है 20 और इसकी यहाँ पर जो गहराई 40, मतलब टोटल 800 स्क्वायर फीट पर और पूर्व दिशा पर सिंगल मंजिल की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी यहाँ पर छत का काम कम्प्लीट हो चुका है, अब प्लास्टर काम यहाँ पर चलेगा। इससे पहले जो यहाँ पर काम किया गया वो प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। यहाँ पर दो बेडरूम, एक हॉल, एक पार्किंग और एक किचन की यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर जो साइज है जो बनाया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो 20x40 की मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर मेरे चैनल पर डाली हुई है वो प्लानिंग से ये प्लानिंग थोड़ी हटके है, तो आप दे सकते हैं और अपने प्लान पे आप और शामिल कर सकते हैं और अपने घर को और भी सुंदर आप बना सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बनते हुए घर की प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट दिया गया है यहाँ पर है 20 और इसकी यहाँ पर जो गहराई 40, मतलब टोटल 800 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और फ्रंट पर अभी एलिवेशन का यहाँ पर काम किया जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं एक विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो जीने के साइड पर दी गई है। यहाँ पर कांच या फिर आयरन की यहाँ पर जो भी डिज़ाइन दी जाएगी वो मैं आपको यहाँ पर जब एलिवेशन बनेगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लाइट के पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है काम और प्लेन से लेकर यहाँ पर जो रोड की यहाँ पर हाइट है लगभग 1 फीट की हाइट को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ओवरब्रिज दिए गए हैं ताकि जो मेन गेट है यहाँ पर लगाया जा सके। तो फ्रंट आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाया गया है। तो आइए चलिए मैं आपको अंदर से इसकी प्लानिंग में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी आप आसानी से यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग एरिया 14x20 इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पार्किंग एरिया आपकी। और पार्किंग एरिया पे से ही जीने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है, देख सकते हैं पहली स्टेप और दूसरी स्टेप पर जीने को मतलब पार्किंग एरिया से साइड पर यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जगह यहाँ पर रखी गई है जीने के साइड पर, तो आप सामान वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एक विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और मेन गेट आपको यहाँ पर दो देखने को मिलेंगे, पहला गेट यहाँ पर और एक दूसरा गेट यहाँ पर, मतलब दो गेट फ्रंट पर यहाँ पर दिए गए हैं। पार्किंग एरिया से आप हॉल पर भी जा सकते हैं, इधर से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर बनाया गया है हॉल और यहाँ पर बनाया गया है किचन, तो वो मैं अंदर से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हॉल की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, देख सकते हैं हॉल पर और एक बोर का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, नल फिटिंग काम यहाँ पर चल रहा है। और एक विंडो जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी वो विंडो यहाँ पर दी गई है ताकि आपके हॉल पर उजाला यहाँ पर रह सके। और एक वेंटिलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ताकि इसका उजाला आपके हॉल पर और पास में बने एक बेडरूम पर भी आ सके। यहाँ पर जो हॉल का यहाँ पर जो साइज है 10x17 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर छत पर भी लाइट के पॉइंट दिए गए हैं। एक विंडो बाहर यहाँ पर दी गई है, गेट यहाँ पर दिया गया है और हॉल यहाँ पर प्लानिंग की गई है। तो हॉल पर जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ओपन किचन देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर किचन की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। विंडो मैंने आपको दिखाई थी पार्किंग एरिया पे से, वो विंडो यहाँ पर दी गई है और जो गेट मैंने आपको पार्किंग पे दिखाया था वो गेट यहाँ पर दिया गया है हॉल पर जाने के लिए, पार्किंग एरिया पर से जाने के लिए। यहाँ पर जो किचन है 9x5 इसके साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है किचन को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन लेथ बात यहाँ पर बनाई जा रही है और इसके जस्ट साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर देखने को मिलेगा 9.5x9 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है ताकि आपके बेडरूम पर उजाला आ सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेडरूम बनाया जा रहा है, छोटा सा प्यारा सा एक बेडरूम की प्लानिंग की जा रही है। और यहाँ पर भी एक स्लिप आप देखेंगे दी गई है सामान रखने के लिए, तो आपका होगा यहाँ पर पहला बेडरूम
किचन के जस्ट साइड पर और एक बेडरूम आपको यहाँ पर हॉल के जस्ट साइड पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हॉल और एक बेडरूम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बेडरूम का साइज 10x11 दिया गया है और इस बेडरूम से अटैच यहाँ पर लेयर पाथ को बनाया गया है। स्लिप यहाँ पर भी दी गई सामान रखने के लिए और आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है, देख सकते ये वाली विंडो दी गई है ताकि उजाला जो है आपके लेयर पाथ पर आ सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम की यहाँ पर प्लानिंग की गई है और तो एक बेडरूम साइड पर, एक बेडरूम यहाँ पर, तो दो बेडरूम यहाँ पर दिए गए हैं और एक हॉल, पार्किंग एरिया और बाहर के बाहर जीना, मतलब पार्किंग से अलग हटकर इस जीने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। सिंगल मंजिल की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर टावर की प्लानिंग की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।